लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इनटू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा फिर से देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जितना चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब है एक लेंथ को जो हम मेजर करना होता है, एक वायर है उस पूरी वायर को मेजर नहीं कर सकते कितने मीटर की, अगर हमारे घरों के सामने से जो वायर जा रही है उनको मेजर नहीं कर सकते कि वो कितनी लंबी है, क्योंकि बहुत अनंत है, इन्फिनिटी तक गई हुई हो, अनंत तक गई हुई है, लेकिन उसका हम छोटा है हिस्सा तो मेजर कर सकते हैं, उसको डी क्यू माना जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और डी क्यू को ऐड करने के बाद हम डी क्यू को ऐड करते जाए, कहेंगे हजार पर ऐड कर दे तो एक एल बन जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ होकर कंडक्टर, डी क्यू हमने क्या मानी, एक छोटी ही लेंथ मानी है लीनियर कंडक्टर की, आर इज द यूनिट वेक्टर है उसका, क्यू नोट क्या है वहां पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, डी एफ वहां पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, डी क्यू के कारण किसके ऊपर, क्यू नोट के ऊपर एट ए पॉइंट टी, ठीक है। डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पे। उसके बाद लैम्डा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डी एल स्मॉल एलिमेंट है, डी क्यू स्मॉल चार्ज है, डी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, डी क्यू, डी एफ क्या है, स्मॉल फोर्स है। तब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या चीज है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखिए लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर होगा, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। तो हमने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डी क्यू किसके बराबर हो गया, लैम्डा डी एल के बराबर हो गया। अगर डी एफ फोर्स एट दैट हो रही है एट ए पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कूलम्स का नियम लगाते हैं। तो डी एफ फोर्स निकालने के बाद 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू नॉट, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में आर का हम स्क्वायर लेंगे, आर इज द यूनिट वेक्टर, सो इसके मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर को हम रख देंगे, यूनिट वेक्टर को जब हम खोलेंगे तो उसका होता है आर वेक्टर बाय डिवाइड में आर का मैग्नीट्यूड, तो उसमें रखने के बाद आर क्यूब आर हो जाएगा। टोटल फोर्स हम निकालना चाहते हैं डी क्यू के कारण, तो वो क्या हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इसमें टर्म है 1/4πε0 कॉन्स्टेंट टर्म है, वो उसको हम बाहर निकाल देंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, इसमें लिमिट होती है 0 से एल, लिमिट होती है 0 से एल, लैम्डा डी एल बाई आर क्यूब आर हो जाएगा, लैम्डा डी क्यू एल बाई 4πε0 आर क्यूब आर हमारा नेट फोर्स हो जाएगा कहां पे, एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज के, ओके। उसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, पूरे सरफेस के ऊपर होगा या आधे सरफेस के ऊपर होगा या वो ज्यादा सरफेस के ऊपर होगा, वो हमें क्या करना है, देखना है। वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर ड्रा, तो फिगर सरफेस का हम क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ये देखिए एक क्या है, ये पूरा सरफेस है, ठीक है, इसको आप कुछ भी मान लो पी क्यू आर एस, या फिर इसको मान लो आप ए बी सी डी, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज प्लेस है, टोटल चार्ज कैसा है, क्यू चार्ज है, कितना है टोटल चार्ज, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है,
पूरे नंबर टोटल क्यू चार सेपरेट है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे। इधर देखिए, इसका हम क्या करेंगे, छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, जिसका हम नाम रखते हैं डी एस। क्या नाम रखते हैं? डी एस। ठीक है, डी एस। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसके ऊपर सॉरी चार्ज कितना होगा, डी क्यू। कितना चार्ज होगा? डी क्यू। इससे हम यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज प्लेस करते हैं, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट। और यहाँ से हम एक लाइन को क्या करते हैं, पी पॉइंट पे ज्वाइन। क्या करते हैं? ज्वाइन। इसका नाम हमने क्या रख दिया, पे पॉइंट। इस डी क्यू के कारण यहाँ पे क्या बनेगी, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बनेगी? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डी एफ क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल फोर्स होगा। क्या होगा? स्मॉल फोर्स होगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ, देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। अब इसके अंदर जो हमारा हम यूज करेंगे सिग्मा, सिग्मा ये सिंबल किसका होता है, सिग्मा का। इसको बोलते हैं लीनियर सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डी क्यू बाई डी एस किसके बराबर, सिग्मा के, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहें अगर, तो डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहें यहां पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस के बराबर। ठीक है, समझ में आया यहां तक। उसके बाद इफ, वही बात, इफ डी एफ इज द फोर्स एग्जर्टिंग ड्यू टू डी क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, देन वी गेट अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ। तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर वन क्यू डी क्यू और क्यू नॉट वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट बाई, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर यूनिट वेक्टर इसका और आर इसके बीच में डिस्टेंस है, तो आर का स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। अब डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। इधर देखिए, जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, सिग्मा डी एस के बराबर है। तो डी क्यू की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस क्यू नॉट बाई आर की क्यूब और आर वेक्टर। पता चला ये कैसे बना, पता चल गया ना। ठीक है, उससे आगे देखिए, अब इसका हम डी एफ फोर्स है, अगर हम क्या निकालना चाहते हैं इसमें, टोटल फोर्स। क्या निकालना चाहते हैं, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स एट पॉइंट पी
due to Q charge, then integrating both side, इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में इसका क्या हो जाएगा एफ बाहर क्या जाएगा इसमें से क्यू नॉट बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में जीरो से लिमिट एस तक की सिग्मा डीएस बाई आर क्यूब और आर वेक्टर डीएस का क्या हो जाएगा एस तो क्या बन जाएगा यहां तक भी रखना चाहते तो रख सकते हो ठीक है. This is the total force. उतार लो फिर से देखिए एक बार. चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हमने एक सरफेस लिया उसमें छोटा सरफेस कोर माना जिसका डीएस हमने पूरा का एरिया माना डी के उसके ऊपर हमने स्मॉल क्या मान लिया एक चार्ज मान लिया. हमने कोई पी पॉइंट यहाँ पे मान लिया उसके बीच की डिस्टेंस क्या है आर है. इधर देखिए एक बार पी पॉइंट के ऊपर चार्ज कैसा है क्यू नॉट चार्ज है. दोनों कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे रिपेल इच अदर क्या करेंगे रिपेल इच अदर ठीक है. उससे पहले हम क्या निकालेंगे लीनियर चार्ज सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से. सिग्मा किसके बराबर होगा डी क्यू बाई डी एच क्यों क्योंकि डेफिनेशन हमें यही बताती है ठीक है. उसके बाद अगर डी एफ क्या है डी एफ इज द फोर्स किसके कारण डी क्यू के कारण किस पॉइंट पे ई पॉइंट पे तब हम क्या करेंगे कूलम्स का नियम लगाएंगे. क्या लगाएंगे कूलम्स का नियम. क्यों लगाएंगे कूलम्स का नियम क्योंकि जो कूलम्स का नियम बताता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में क्या लगता है हमेशा कूलम्स का नियम लगता है. ओके नाउ डी एफ इज द फोर्स को मैंने आपको बता दी है तब कूलम्स का नियम लगाने के बाद 1 बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ये हो गया हमारा चार्ज एक पॉइंट क्यू नॉट हमारा दूसरा चार्ज हो गया. इसके बीच में आर का हमने स्क्वायर कर दिया और यू आर इज द यूनिट वेक्टर ले रखा है तो मल्टीप्लाई में हमने इसको क्या रख दिया यूनिट वेक्टर. आर को खोलते हैं आर को जब हम यूनिट वेक्टर को सोल्व करते हैं तो क्या होता है आर वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ठीक है. तो ये चीज होती है याद रखने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई ठीक है. उसके बाद अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन लिमिट क्या लेते हैं जीरो से एस और जो हमारे पूरी के पास हमारे पास ये क्वांटिटी आती है इसको हम क्या कहते हैं ये दिस इज द टोटल फोर्स. उतार दो इसको उतारना है ये विदाउट टॉपिंग.